हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन। सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, कौन से लोग हम ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, कब कौन कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों, पिछले दो दिन से जब एक कैंडल के साथ मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला था, ठीक है, तो मैंने बात किया था कि अभी ये रेंज बना लिया है मार्केट, अभी इस रेंज के साथ ट्रेड करके टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। देखिए, मैं दो दिन से टाइम वाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। टाइम वाइज का मतलब दोस्तों कि मार्केट को जहाँ जाना है फ्यूचर में, ठीक है, जैसे मार्केट मान लो यहां तक आना है जो मैं देख रहा था या मैं देख रहा हूं, ठीक है, जितना दिन में यहां तक आएगा और फिर यहां से वापस जाएगा उतना दिन यहां पर टाइम वाइज करेक्शन करके टाइम में पूरा करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट बोला नहीं, मुझे टाइम में करेक्शन नहीं करना है, मुझे प्राइस में करेक्शन करना है, मतलब मार्केट को है जल्दी। मार्केट को जल्दी का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जब मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ, खासकर संडे के दिन, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीकली चार्ट देखे तो आपको मेजर ट्रेंड पता चलेगा, ठीक है। जब यहाँ पर ये दो कैंडल इनसाइड हो रहा था, ठीक है, लास्ट वीक को भी मैंने इसको शेयर किया है, अगर आप लोग वीडियो को डिटेल देखते हैं तो ये सब समझते होंगे, ठीक है। मैंने बात किया दोस्तों कि अगर ये लोअर साइड ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट में एक बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, और बड़ा गिरावट का मतलब इधर है, इधर का मतलब 32,500-600 का भाव, ठीक है, बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं होगा, लेकिन डाउन साइड में 32,500-600-700 का आसपास एक बहुत अच्छा लेवल होगा आपको नया एंट्री करने के लिए। चूंकि दोस्तों मार्केट अभी 1800 से 2000 पॉइंट की और गिरावट हम देख रहे हैं लोअर साइड में, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखिए, जनरली ऐसे कंडीशन में लोग गलती करते हैं दोस्तों, गलती ऐसे कंडीशन में नए लोगों से ज्यादा होता है। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे, तो इस लेवल से मैंने आप लोगों को बाइंग करने की, पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी है। तो आप लोग ये भाव पे, जब निफ्टी यहाँ पर था, ठीक है, 7,800-8,000 के पास था, ठीक है, जब मार्केट में हाहाकार मचा था, ठीक है, खून खराबा हो रहा था, देख रहे हैं कैंडल में, ठीक, उस समय हम लोग जो पोजीशन बनाए हैं या जो पोर्टफोलियो बनाए हैं, उस पोर्टफोलियो को गलती से बेचिएगा मत। मार्केट इतना नहीं जाने वाला है, ठीक है, मार्केट में एक प्राइस वाइज करेक्शन आने वाला है, लॉन्ग टर्म का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आने वाला है, ठीक है, बस यहां तक और फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। थोड़ा दिन यहां पर टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, जब भी मार्केट में गिरावट दिखता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डरिएगा मत, ठीक है, वरना मार्केट रिवर्स करेगा तो मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा, एक आध दो कैंडल ऐसा बनेगा और रिवर्स हो जाएगा तो फिर खरीद नहीं पाएंगे, ओके। तो आपने जो भाव में लोअर लेवल में खरीदे होंगे वो भाव फिर दोबारा मिलेगा नहीं। जैसे हम लोग टाटा मोटर्स को खरीदे हैं 65-70 रुपए के आसपास, टाटा स्टील को खरीदे हैं हम लोग 270-280 के आसपास, M&M को खरीदे हैं दोस्तों हम लोग 270-280 रुपए के आसपास, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, SBI को 150-170 के बीच में खरीदे हैं, वो चांस नहीं मिलेगा दोबारा, इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करना है, राइट। तो आप, मुझे लगता है ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, जो गिर रहा है गिरने दीजिए। हाँ, अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाए हैं तो आपको एक बार फिर से चांस मिलने वाला है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आज से 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के लिए पोजीशन बनाने के लिए। तो एक छोटा करेक्शन है, इस करेक्शन में आने दीजिए मार्केट को, जैसे गिरते रहता है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें पूरा मौका मिल रहा है, आज भी मौका मिला है, कल भी मौका मिलेगा, जब भी ये मार्केट में गिरावट दिखेगा दोस्तों आपको चांस मिलता रहेगा, पैसा आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करके बनाते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड हो सकता है और कल हम लोग क्या बात किए थे। कल हम लोग बात किए थे दोस्तों कि मार्केट में एक बड़ा गिरावट नहीं आना चाहिए, ठीक है, मैं देख रहा था कि यहाँ पर मार्केट अभी साइडवेज में ट्रेड करेगा, हम लोग कॉल पुट को सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या, मार्केट जैसे हम लोग बात किए थे, क्या करें, ऊपर खुलेगा, इस रेंज के आसपास खुलेगा, ठीक है, तब मार्केट इस रेंज के आसपास में ट्रेड करेगा, तब हम लोग यहाँ पर कोई शॉर्ट स्ट्रगल वाला पोजीशन बनाएंगे, आज हम लोग बनाए थे, आई होप आप लोग ने बनाए होंगे तो अच्छा पैसा कमाए होंगे, ठीक है, मैंने ये बनाया था, टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया हूँ और प्रॉफिट के साथ भी मैंने लास्ट में शेयर किया हूँ। मैं इसे थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके बारे में, मैंने जो भी टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ दोस्तों, जी से मैं तो पहले से लेवल देता हूं आप लोगों को, ओके, जैसे हम लोग इन्फोसिस में जैसे हम लोग कल बात किए थे, इसमें सुबह अच्छा ट्रेड मिल रहा था लेकिन फाइनली हमें छोटा लॉस हुआ, ये लॉस हम लोग बुक किए, इसके बाद दोस्तों हम लोग ये पोजीशन बनाए, इसमें भी अच्छा पैसा मिला होगा, हम लोग निफ्टी का एक शॉर्ट का पोजीशन बनाए थे, कॉल शॉर्ट की थी, इसमें भी अच्छा पैसा मिला, बजाज ऑटो को हमसे थोड़ा सा जल्दी बुक हो गया, मैं कहीं गया था मार्केट में, मैं देख रहा था कि अब ज़्यादा गिरेगा नहीं मार्केट, ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग एग्जिट किए हैं 40 पॉइंट और गिरा है मार्केट, ओके, ये भी मिला होता लेकिन थोड़ा अपने से मिस हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जो टेलीग्राम चैनल में मैं ट्रेड देता हूँ,
फॉल्स नहीं होता है, या तो मैं ट्रेड करता हूं ठीक है, या मेरे स्टूडेंट ट्रेड करते हैं, अदरवाइज ऐसे कोई भी ट्रेड मैं नहीं देता और कम ही ट्रेड देता हूं, क्योंकि कम ही ट्रेड मैं करता हूं, मैं चाहता हूं एक या दो ट्रेड मिले और जेन्युइन ट्रेड मिले। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन है तो आप विश्वास के साथ ट्रेड कीजिए उसमें, ठीक है, बिलीव करिएगा तब पैसा मिलेगा, थोड़ा अपना भी एनालिसिस कीजिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर एक स्ट्रगल बनाया हम लोग प्रॉफिट बुकिंग की, अब देख सकते हैं एक कितना बड़ा कैंडल बना था यहाँ पर, आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पर कैसे रिवर्स किया था, हम लोग शॉर्ट स्ट्रगल पोजीशन बनाया था, यहाँ पर पोजीशन हमारा खड़ा रहा लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, कई बार लोगों का एसएल ट्रेल होता है ठीक है, एसएल कटता है और फिर मार्केट नीचे आ जाता है। ओके आप देख रहे हैं ऐसे ही हुआ है। हाँ हम लोग बात किए थे कि इस भाव के पास जाएगा दोबारा शॉर्ट होगा, अगर आपने मार्केट को बहुत अच्छे समझते होंगे ठीक है, प्राइस को समझते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड बना होगा। आई होप यहाँ पर आपने ट्रेड किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट का ट्रेड रहा होगा। हालांकि इसके नीचे आया वो हमारे ट्रेड में नहीं था, पैटर्न में भी नहीं था, तो मैं इस ट्रेड को मार्केट में भी नहीं था और इस ट्रेड के नीचे आता तो मेरा व्यू नहीं था तो शायद इसमें ट्रेड नहीं किया होता। मार्केट लोअर साइड ट्रेड किया है, मतलब लोअर साइड जाके क्लोज किया है, कल कैसे होगा इसे समझिए। दोस्तों अगर मार्केट इस लेवल में ओपन होता है तो मॉर्निंग में ये कंटिन्यू हो जाएगा, कम से कम लोअर साइड में 300-250 पॉइंट का गिरावट एक कैंडल में दिखा देगा अगर इसी लेवल में ओपन होता है तो, चूंकि मारू बाजू कैंडल बना के क्लोज किया है तो हो सकता है ये गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होगा कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा कंटिन्यू चार दिन से रेड कैंडल बन रहा है, कंटिन्यू चार दिन से रेड कैंडल बन रहा है। ओके आप देख रहे हैं एक आध दिन ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा इसे आपको मालूम होना चाहिए। ओके दोस्तों जो इसका सपोर्ट था, मैं थोड़ा बड़ा चार्ट करता हूं, जो इसका सपोर्ट था बस इस सपोर्ट पॉइंट तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है अगर लोअर साइड से वापस रिटर्न करता है तब, सॉरी लोअर साइड से अगर मार्केट रिटर्न करता है तो, मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो फिर बस यहां तक जा सकता है और जो भाव बनेगा वो 34,600-34,700 के आसपास तक का ये लेवल रेजिस्टेंस बनेगा, चाहे वो मॉर्निंग में जाए या आफ्टरनून में जाए यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर एक गैप डाउन ओपन होता है तब भी इस लेवल तक जाएगा ठीक है, या अगर मॉर्निंग में ओपन हो गए पहले ऊपर जाता है तो इस भाव के पास ही जाके शॉर्ट होगा तुरंत। यहाँ पर हमें देखना है एक कोई कैंडल ऐसा बने, बेरिश कैंडल बने ठीक है, इस टाइप का बेरिश कैंडल बने, शूटिंग स्टार टाइप का बेरिश कैंडल बने, फिर इसके नीचे जैसे जाता है इस हाई का एसएल लगाते हैं, शॉर्ट का पोजीशन बना के जाएंगे, अगेन एक नया लो की तरफ हमें ट्रेड दिखेगा, बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। हाँ गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा ठीक है तो मैं उसमें अपडेट जरूर करूंगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए किसी बंदे ने यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन बनाया है, अगर यहाँ पर 300-400 पॉइंटों से गैप डाउन मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश जरूर करेगा, और कई स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं कि इतना गिरा है तो एक बार मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक बार उछाल दिखाए, 300-400 पॉइंट का उछाल देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन में भी हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन इस भाव के आसपास मिले तो हमें शॉर्ट के बारे में जरूर विचार करना है। लेवल ध्यान रखिए 34,400 से लेके 500 के बीच में ठीक है, यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल बने ऐसा तो हम शॉर्ट के बारे में विचार करेंगे, अच्छा ट्रेड मिलेगा और लेवल आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं निफ्टी में, सेम पैटर्न निफ्टी में है लेकिन निफ्टी थोड़ा मजबूत है, ध्यान रखिएगा। हम लोग निफ्टी के बारे में बात किए थे डाउन साइड में, ये इसका रेंज है, अभी निफ्टी रेंज में है, कल कैसे हो सकता है निफ्टी में इसके बारे में बात करते हैं। आज निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला अपर साइड में, अगर कल ऊपर जाता है, देखिए कल भी हम लोग बात किए थे कि अगर इस रेंज में रहेगा ठीक है, इस रेंज में रहेगा तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर ये लोअर साइड ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट के बारे में विचार कर सकते हैं। मॉर्निंग यहां से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो एक ट्रेड मिला, इस लेवल से सपोर्ट लेकर वापस गया, मैंने बताया था एक टारगेट मिलेगा, इसके बाद मार्केट यहां पर होल्ड करेगा फिर नीचे जाएगा। हालांकि ये जो रिवर्स किया ये थोड़ा बड़ा रिवर्सल किया होगा, बट अगर आप लोगों ने कॉल शॉर्ट किए होंगे दोस्तों तो मैंने 15,000 का कॉल दिया था शॉर्ट करने के लिए, जब रिवर्स किया तब भी आपका ऐसे नहीं लगा, 70 के आसपास का था ठीक है, दोबारा भी मैं सेल ऑन राइज का मार्केट है, दोबारा भी मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया, लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैंने ट्रेड दिया स्पीड में गिर गया तो मौका हमें मिला नहीं, 60 के आसपास मैं शॉर्ट दे रहा था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, आई होप आप सब अपडेट होंगे उससे, लेकिन ये कंटिन्यू गिर गया तो उसमें चांस नहीं मिला और लोअर साइड में काफी नीचे क्लोज किया हुआ है। कल कैसे हो सकता है मार्केट, ध्यान रखिए दोस्तों चूंकि मार्केट काफी नीचे क्लोज किया हुआ है ओके, तो इसके लिए एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं हम लोग इस भाव का। ओके ये भाव क्या है,
ये भाव है दोस्तों 14,775, 14,775, इसे आप नोट करिए 14,775, इसका मतलब क्या है 14,800, 14,800, इस भाव के आसपास अगर हमें लोअर साइड से अगर मार्केट इधर जाता है तो यहां से गिरेगा, वो गिरावट हमारे लिए निफ्टी में बहुत बढ़िया होगा, हम लोग 14,800 का कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं अगर लोअर साइड से पहले ऊपर जाता है तो। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है जो ए भाव दिख रहा है तो 14,600 का एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट, ठीक है मार्केट को, तो लोअर साइड से अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है ऐसा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है एटलीस्ट इस भाव तक तो अगेन जा सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा मैं आपको ट्रेड करने के लिए, ओके उस पर भी हमें आइडिया मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए या फिर ओपन होके एक आध कैंडल ऊपर चले जाए तो इस भाव से हमें शॉर्ट के बारे में ही विचार करना है। इस भाव में ओपन होता है 30 40 50 पॉइंट ऊपर खुलता है तो उसमें बाइंग नहीं करना है, ऐसे फंसना नहीं है, ठीक है। कल एक्सपायरी होगा, ध्यान रखिएगा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अगर पहले सुबह आए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बात कर रहा हूं, अगर मार्केट पहले मॉर्निंग में नीचे आता है तो सेकेंड हाफ में मार्केट में एक रिवर्सल दिखेगा और शानदार रिवर्सल हो सकता है, ठीक है अगर पहले मॉर्निंग में आता है तो। देखिए सुबह सुबह अगर इस लो को ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, तो ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप यहाँ पर 14,730 का ऐसे रख के आप इसमें 14,700 के बिलो अगर जाता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, 30 पॉइंट से ज्यादा के ऐसे रखना नहीं है, ठीक है। तो नजर रखिएगा लोअर साइड में, मार्केट अगर मॉर्निंग में जाता है तो कंटिन्यू हो सकता है, एक अच्छा 40-50 पॉइंट का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। मैं देखूंगा थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर से शॉर्ट हो तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल, अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें तो जगह नहीं है ट्रेड करने के लिए, छोड़िए। सबसे बढ़िया है HDFC बैंक, आज भी हमारा रात में था, ठीक है, लेकिन ये लास्ट मिनट में गिरा है तो इसे हम लोग लास्ट मिनट में ट्रेड नहीं दिए और मैंने अपडेट भी नहीं किया आप लोगों को। कल नजर रखिए इसमें अगेन 15,000 के नीचे क्लोज किया है और बहुत बेरिश कैंडल के साथ क्लोज किया है। अगर ये लोअर साइड जाता है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा HDFC बैंक और ICICI बैंक कल बड़ा कैंडिडेट हो सकते हैं मार्केट के लिए गिरावट के लिए। अगर ये लोअर साइड ब्रेक डाउन करता है दोस्तों तो हम शॉर्ट करके जाएंगे 1490 के बिलो और टारगेट हमारे लिए 1460 की तरफ बन रहा है, इसके बीच में सपोर्ट नहीं है, एक अच्छा ट्रेड बनेगा नजर रखिएगा। और ऐसे इसमें 10-12 रुपए का रखना पड़ेगा, एक अच्छा ट्रेड का कैंडिडेट हो सकता है। लेवल आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों ICICI बैंक देखिए एक कम गिरा है आज, कल गिरने की बड़ा तैयारी इसमें है तो मैं देखूंगा सबसे पहले ICICI बैंक को। अगर एक गिरावट दिखाता है 586 585 के नीचे तो फिर इसमें एक बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, 590 के आसपास का ऐसे रखना पड़ेगा और डाउन साइड में तो इसके लिए सपोर्ट है नहीं, इतना बड़ा तो गिरावट नहीं आएगा वन शॉट में 560 की तरफ, लेकिन इसमें 12-13 रुपए का बड़े आराम से गिरावट देखने को मिल सकता है, मतलब डाउन साइड में 575 की तरफ इसमें देखने को मिल सकता है, नजर रखिएगा ICICI बैंक में। बजाज फाइनेंस, आज बजाज फिनसर्व हमारे रडार में था दोस्तों, बड़ा गिरावट तो नहीं दिखाया, कल बजाज फिनेंस को नजर रखिए। देखिए ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया है और डाउन साइड में क्लोज किया है, ठीक है आप इसे थोड़ा सेट कर लीजिए। दोस्तों अगर मार्केट गिरा और कैश में ट्रेड करना है तो कल के लिए बजाज फाइनेंस जबरदस्त होगा। शॉर्ट करना है 5350 के बिलो, 5350 के बिलो शॉर्ट करेंगे, 80 के आसपास का ऐसे रखना पड़ेगा, 30 पॉइंट का गिरावट कम से कम 100-150 का दिखाया गया है, ये गिरा नहीं है। अगर मार्केट कर गिरता है तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस गिरेगा और अच्छा गिरेगा, नजर रखिएगा बजाज फाइनेंस में। HDFC लिमिटेड, आज देखिए ये इंडेक्स मैनेजमेंट का काम किया है, कल नहीं करेगा, कल ये गिरेगा और बड़ा गिरेगा। दोस्तों शॉर्ट करना है इसके बिलो, मतलब शॉर्ट का लेवल होगा 2495 के बिलो, 2495 के बिलो इस क्लोजिंग का भी ऐसे रख सकते हैं, मतलब 2515 के आसपास कैसे रख सकते हैं, इसके पास भी सपोर्ट नहीं है, एक बड़ा गिरावट है तो नजर रखिए, इसमें भी एक बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा अपने को, 40-50 पॉइंट बड़ा इजी गिर जाएगा तो नजर रखिए 2% के आसपास का ट्रेड इसमें मिल सकता है। HDFC लिमिटेड फिनाइंस सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों जब भी मार्केट गिरे
हाइबुल हाउसिंग को नहीं भूलना चाहिए। ये स्टॉक बड़ा गिरता है, ठीक है 10% 12% का गिरावट भी दिखा देता है। नजर रखिए कल के दिन पे अगर 212 के नीचे जाता है तो मैं इसका टारगेट 200 की तरफ देखूंगा। स्टॉक लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन टारगेट भी इसका बड़ा बनेगा। तो नजर रखिएगा हाइबुल हाउसिंग को, लाइव मार्केट में अपडेट करेंगे इसके बारे में। दोस्तों REC लिमिटेड, REC लिमिटेड को देखिए, ये स्टॉक एक ट्रेंड बनाया है, ठीक है कंटिन्यू ट्रेंड में अपर साइड गया हुआ है और टॉप में पहली बार बेरिश कैंडल बनाया है। ओके अगर आप देखें तो इस चैनल में जब से चला है पहली बार ब्रेकआउट के पास बेरिश कैंडल बनाया हुआ है। देखिए जब भी मार्केट ब्रेकआउट करने वाला हो और तुरंत बेरिश कैंडल बन जाए तो उसके बाद उसमें कंटिन्यू फॉल आता है। डाउन साइड में इस स्टॉक में ट्रेड 146-145 की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर 150 के नीचे ब्रेक करता है तो कल इसे हम शॉर्ट करके जाएंगे। नजर रखिएगा REC लिमिटेड को, सारे स्टॉक आज हमारे शॉर्ट में है, बाइंग का कोई स्टॉक्स नहीं है हमारे पास आज। इंफोसिस स्टॉक को भी नजर रखिए दोस्तों, दो दिन से ब्रेकआउट के पास बेरिश कैंडल बन रहा है और ब्रेकआउट के पास अगर कोई बेरिश कैंडल बने तो उसमें शॉर्ट बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है नजर रखिए 1380 के बिलो अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम इसमें शॉर्ट करके जा सकते हैं। 1390-1392 के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा और गिरावट इसमें लोअर साइड में 1360 के आसपास का देखने को मिलेगा। इससे पहले इसमें कोई सपोर्ट है नहीं तो अच्छा कैंडिडेट होगा शॉर्ट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में ही तक, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।